हाँ, खबर जोधपुर से है। सबसे पहले जहाँ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह है, मारवाड़ इंटरनेशनल सभागार में हो रहा है और खुद राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र यहाँ कार्यक्रम में पहुँचे हैं। सीधा आपको वहीं लिए चलेंगे और राज्यपाल का जब कार्यक्रम संबोधित होगा तो सीधा आपको सुनवाएंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, राज्यपाल वहाँ विराजमान हैं और संबोधित करने वाले हैं दीक्षांत समारोह को। उसके बाद दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांटी जाएंगी। तो जय नारायण व्यास एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जोधपुर में और राजस्थान की प्रतिष्ठा भी है इंस्टीट्यूशंस में लेकर। जय नारायण व्यास का अपना एक अलग नाम है, कई बड़े नाम, कई बड़े राजनेता और शख्सियतें यहां से पढ़कर निकले हैं। मारवाड़ इंटरनेशनल सभागार में कार्यक्रम हो रहा है जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र इस वक्त पर पदक और सर्टिफिकेट देकर स्टूडेंट्स को सम्मानित कर रहे हैं। यहां पर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में इस वक्त राज्यपाल कलराज मिश्र का संबोधन चल रहा है। सिंडिकेट एवं सीनेट के माननीय सदस्यगण, कुल सचिव, दीक्षांत समारोह के संयोजक, सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, गणमान्य नागरिकगण, मीडिया के मेरे मित्रों, छायाकार बंधु, आज आपके इस विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह इस रूप में भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं आप सभी को इस पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। योग भारत की वह महान परंपरा है जिसने हमारे देश को कभी विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलाई थी। आदर्श जीवन शैली के रूप में आज यह इसीलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की ओर हम अग्रसर होते हैं। महर्षि अरविंद विश्व के महान योगी हुए, उन्होंने समग्र जीवन दृष्टि हेतु योगाभ्यास को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कभी ये कहा था कि यदि मनुष्य योग अपनाता है तो पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। वह सकारात्मकता के भावों के साथ जीवन की उत्सव धर्मता से जुड़ जाता है। मैं भी ये मानता हूं योग चिकित्सा नहीं है, योग आत्मविकास का सबसे बड़ा माध्यम है। परम तत्व से साक्षात्कार की यह वह विधा है जो व्यक्ति को अंतर का उजास प्रदान करती है। इसीलिए आरंभ से ही हमारे यहां योग की परंपरा से ऋषि मुनि और भद्रजन जुड़े रहे। मैं चाहता हूं हम सभी भी उसी परंपरा से जुड़कर योग की हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मेरे प्रस्ताव ये कि दीक्षांत समारोह चूंकि योग दिवस पर मनाया जा रहा है, इसलिए इस अवसर पर विश्वविद्यालय अपने यहां योग की भारतीय संस्कृति की कोई ऐसी पीठ स्थापित करे जिसे यहां के विद्यार्थी शिक्षा के जरिए योग की भारतीय संस्कृति के भविष्य के संवाहक बन सके। ये मैं कुलपति महोदय से आग्रह करता हूं, इस दिशा में विचार करना चाहिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जिस विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है उसकी स्थापना भारत के युग पुरुष महान दार्शनिक और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कर कमलों द्वारा हुई थी। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 14 जुलाई 1962 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय बीज रूप में रोपित हुआ था।
और आज बारिश पर यात्रा की पूर्ण करता एक वट वृक्ष बन गया है। यह विश्वविद्यालय इस रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अंग्रेज जी, प्रोफेसर भामर सिंह जी, सूर्य प्रकाश दीक्षित जी जैसे उद्भट विद्वानों ने अध्यापन करवाया है। मैं मानता हूं किसी भी संस्थान की पहचान वहां की इमारतों, उपलब्धि सुविधाओं से नहीं होती, उसकी पहचान वहां प्रदत्त की जाने वाली शिक्षा से होती है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी आज विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए राष्ट्र और समाज को अपनी ओर से कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यही उस संस्थान व यहाँ से प्राप्त शिक्षा की सबसे बड़ी सार्थकता है। मैं इस विद्यालय की इस दीर्घ अवधि में यहाँ के विकास में भागीदारी निभाने वाले सभी आचार्यों, प्रशासन